तो दोस्तों सरकार की परमानेंट भर्ती आई है, इंटर पास वालों के लिए नौकरी आई है, सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते करते थक गए हैं, तो लो एक और भर्ती आ गई जिसका आवेदन भी शुरू हो गया है। इसका आवेदन कैसे कैसे करना है वो सारी बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। वैसे पद की बात करते हैं तो टोटल 835 पद है। इसका आवेदन जो गया 17/5/2022 टू 16/5/2022, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है कब से आवेदन है, कब तक इसका लास्ट डेट है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फेक नहीं है, रियल है, ये सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पर भी ये दिया गया है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, एप्लीकेशन वगैरह कितना कितना लग रहा है। तो इसका 100 रुपया लग रहा है जनरल OBC के लिए, SC ST PH फीमेल के लिए एक्सटेम्प्टेड है, यहाँ पर दोस्तों की लिखा गया यानी कि छूट है। और ये जो है इसमें बताया गया है कि करेक्शन चार्ज फर्स्ट टाइम 200 रुपया, सेकेंड टाइम 500 रुपया। आवेदन जो किया 17 मई से शुरू है और लास्ट डेट 16 जून तक रखा गया है। और आपको बता दें इसमें जो है कितना कितना पद है, तो यहाँ पे 835 पद है जो कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है सारी चीज़। उससे पहले आपको बता दें ये किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है और सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ आप इंटर पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। आपको बता दें वैकेंसी जो है कहाँ से निकल के आ रही है, आप देख सकते हो पुलिस का ये वैकेंसी जो कि यहाँ पर भी आते हैं, तो यहाँ पर भी साफ साफ देख सकते हो कि इसके बारे में बताया गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट हेड कांस्टेबल। चलिए लेकिन आपको बता दें आप बिहार से हैं तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट भी यहाँ पे दोस्तों की SSCNIC.in यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट। और नीचे में आते हैं तो और भी वेबसाइट बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि dillipolice.gov.in SSC यानी कि SSC के तहत निकाली गई है और यहाँ पर भी कर सकते हो, यानी कि तो ये दिल्ली के पुलिस के लिए है लेकिन आप किसी भी स्टेट से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आवेदन करना स्टेप बाय स्टेप। तो ये रहा टोटल पोस्ट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है वो सारी बात यहाँ पे बताया गया, जैसे कि इसका इसमें कितना जंप वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया। टोटल ये पे 63 पेजों में दिया गया। चलिए मैं आपको पहले फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो वगैरह कहाँ मिल जाएगा वो आपको बताऊँगा। तो ये रहा सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि आपको इसमें बताया गया कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपको है तो यस, नो है तो नो। आधार नंबर डालना है, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप आईडी, नंबर आईडी और यहाँ पर नेम वगैरह सब चीज़ यहाँ पर डालना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस तरफ से आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ डालना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद फिर इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। तो फिर आपको इसमें भी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप भरा हुआ आप देख सकते हो तो इससे भर सकते हो। उसके बाद फिर सेकेंड थर्ड में फिर ऐसा आपको किस कैटेगरीज वगैरह से है वो आपको इसमें सेलेक्ट वगैरह कर लेना है। फिर यहाँ पे नीचे में आते हैं तो इस तरह का है दिया गया, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट से है और उसके बाद सेव करने के बाद कुछ इस तरह का आपको एग्री वाले पे क्लिक करके आई एग्री पे इसको फाइनल सबमिट कर देना। तो इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया था वो सारी बात बता चुका हूँ। और ये रहा इस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको चल रहा है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सिग्नेचर वगैरह और फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या है सारी बात बताया गया और इसमें क्या जंप वगैरह कितना दौड़ वगैरह लगाना है वो सारी चीज़ मैं आपको बता दे तो ये आपको इस आपको PDF वगैरह में आप देख सकते हो या फिर सरकारी एग्जाम की वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हो। तो ये PDF में जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ टोटल 63 पेजों में है, तो ये वीडियो बनाने में लगभग घंटों लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाना जाइए, वहाँ पे PDF को भेज दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा, तो वीडियो के लाइक नहीं वीडियो तो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।